हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। और चलिए, 2 मिनट से कम समय में आज के एडिटोरियल में जो इंग्लिश जो डिफिकल्ट वर्ड्स पब्लिश हुए हैं उनको उनका एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट एन ईडियम, शॉट इन द आर्म, इसका मतलब होता है कुछ भी ऐसा जो आपको उत्साहित करे। ओके, नेक्स्ट इज अ फ्रेज, टिक ऑल द बॉक्स, मतलब कि जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी जरूरत है सक्सेस पाने के लिए, उन सबको पूरा करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्फर। कॉन्फर जनरली डिग्री को कहते हैं, डिग्री कॉन्फर किया, तो एक कोई टाइटल या राइट वगैरह को देने को कॉन्फर कहते हैं। इनएविटेबली का मतलब होता है ऐसा, ऐसी तरीके से जिसको अवॉइड नहीं किया जा सके। ओके, इंटरसेक्टरल कोऑपरेशन, ये हेल्थ डिपार्टमेंट में ज्यादा यूज होता है। इसका मतलब कि कलेक्टिव एक्शन, मतलब साथ की एक्शंस लेना, ठीक है। एक से ज्यादा स्पेशलाइज्ड एजेंसी, जब कई सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसी एक साथ काम करती हैं एक कॉमन पर्पज के लिए, उसे हम इंटरसेक्टरल कोलैबोरेशन कहते हैं। जनरली हेल्थ इंडस्ट्री में यूज होता है ये। स्टेड फास्ट का मतलब होता है दृढ़ निश्चय से लैस, ठीक है, जिसको शेक ना हिला ना हिलाए ना जा सके। टेक ऑफ, जनरली प्लेन टेक ऑफ के लिए यूज करते हैं, एयरप्लेन के लिए। इसका मतलब होता है गेट स्टार्टेड, शुरू करना या सफल बनना। इन्फ्लेमेटरी मतलब होता है कि जिसे बहुत ज्यादा गुस्से की भावना आती है। और इम्यूनोलॉजिस्ट होता है जो कि इम्यून सिस्टम में जो प्रॉब्लम आए उनको ट्रीट करे, उसको इम्यूनोलॉजिस्ट कहते हैं। इनकोहेट मेरे लिए भी नया शब्द है, इसका मतलब है जो केवल पार्टली इन एग्जिस्टेंस हो, जो पूरी तरह एग्जिस्टेंस में ना आए, थोड़ा सा आए, या फिर इम्परफेक्टली फॉर्म, जो इम्परफेक्ट हो। टीज करना, मतलब चिन्हान तो सब लोग जानते हैं, लेकिन इसका यही मतलब होता है कि आशाओं को या डिजायर्स को बढ़ाना बिना उनको पूरा किए हुए, जैसे कि किसी मूवी का टीजर निकलता है। फ्रूशन का मतलब होता है कि जिसके लिए कोई काम कर रहा है, डिजायर किसी भी चीज के लिए, उसको उसको पाना। ओके, उसको फुलफिल होना, ठीक है, उसका फल पाना। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।